नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं संजय मित्तल। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गाजियाबाद में द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी डोली शर्मा चुनावी मैदान में है। और एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक अतुल गर्ग हैं। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी जो कि नंद किशोर कुंडीर हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, उनको मैदान में उतारा है। बात करें अगर इस प्रकार की कि जिस प्रकार से आज बहन कुमारी मायावती गाजियाबाद के कवि नगर रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को 2024 लोकसभा चुनाव अपने प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर के समर्थन में गाजियाबाद की जनता से वोट की अपील करेंगी, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने नंद किशोर पुंडीर को चुनाव मैदान में उतारा है, वो कहीं ना कहीं ठाकुर समाज पे के वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो पूर्व सांसद थे वीके सिंह, जो दो लोकसभा चुनाव यहां से जीते और 10 साल तक यहां पर सांसद रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन अब उनका टिकट काटकर वर्तमान विधायक अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कहीं ना कहीं ठाकुर समाज में जिस प्रकार का रोष था, उस रोष को देखते हुए बहन कुमारी मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के जो वोट बैंक, ठाकुरों का वोट बैंक है, उस पर सेंध लगाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ दलित समाज का वोट बैंक, जो उनका अपना वोट बैंक है, वो भी साथ में जरूर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने ठाकुर समाज के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, इससे पहले उन्होंने पंजाबी बिरादरी के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा था, और जब अतुल गर्ग का नाम भारतीय जनता पार्टी से फाइनल हुआ तो तुरंत उन्होंने अपना प्रत्याशी बदलकर नंद किशोर पुंडीर को, जो ठाकुर समाज से है, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि 26 अप्रैल को जो गाजियाबाद में द्वितीय चरण का मतदान होता है, उसमें ठाकुर समाज और दलित समाज के वोट क्या भारतीय जनता पार्टी की बजाय बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे। जिस प्रकार से ठाकुर समाज में ठाकुरों को वोट सीट टिकट ना मिलने के कारण कुछ रोष है, उसका कारण सामने बिल्कुल साफ झलकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो 4 जून को जो चुनावी नतीजे आएंगे, उसमें गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी सांसद जा सकता है। गाजियाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।